आपका क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, प्रूव दैट ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई एफ टी। तो इसने ये दिया है, तो देखो इसने जो पहले बोला है उसको करना है। सबसे पहले इसने बोला कि ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल है, कौन कौन से एंगल हैं, सी ई एफ, तो आपका सी ई एफ दैट मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी एफ ई दैट मीन्स ये वाला। तो अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखेंगे छोटा वाला, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल सी ई एफ में क्या होगा, आपके दो एंगल्स इक्वल है, तो इट इज अ आइसोसेलस ट्रायंगल। तो ये बन जाएगा आपका आइसोसेलस ट्रायंगल। तो क्या दिया है इसने, एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, तो ये आइसोसेलस है, तो क्या होगा, इसके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके अपोजिट साइड क्या है, इसका अपोजिट साइड इज दिस, तो दैट मीन्स दिस, और इसका अपोजिट साइड इज दिस, इक्वल हो गए, तो क्या हो जाएगा आपका, ई सी इज इक्वल टू एफ सी, इक्वल है। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, देखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, तो आपका एफ इज मिड पॉइंट, तो सेम चीज हम लिखेंगे एफ इज मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा आपका, डी एफ इज इक्वल टू एफ सी, है ना, तो आपका हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू एफ सी, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल, ये तीनों साइड्स आपके इक्वल हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर देखो रेशियो, तो उसका मतलब कि आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, और कैसा दिया है वो आपको पहले देखना है। तो इसने यहां पर दिया है ए बी, तो ए इज हियर, बी इज हियर, नेक्स्ट दिया है बी डी, बी इज हियर, डी इज हियर, तो उसका मतलब क्या है, और सेकंड साइड में ए ई दिया है और एफ डी दिया है, एफ डी ये वाला, तो कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है बी वाली और ई तक, यहां से इसको पैरेलल बनाएंगे एक लाइन ऐसे, तो दिस ये वाला जो है, तो ये ई एफ जी, ये आपका जी हो जाएगा। अब देखो ये ट्रायंगल आपका हो गया, एक सेम ट्रायंगल आपको प्रूव करना है, दे आर सिमिलर। ठीक है, तो आपका कौन कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए डी जी एंड ट्रायंगल ए बी ई, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो देखो एंगल ए इज कॉमन, कॉमन, फिर ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, ये पैरेलल है, तो दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए डी जी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर क्या हो जाएगा, एंगल जी इज इक्वल टू दिस, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो एंगल ए जी डी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो ये देखो क्या हो गया, बाई ट्रिपल ए,
क्राइटेरिया से ये आपके दोनों सिमिलर हो गए। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एडीजी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीई, सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो करस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो कैसे होंगे, दे आर इन प्रोपोर्शन, तो सेम चीज लिखना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे छोटा वाला, फिर लिखेंगे बड़ा वाला, या यहां पर इसने जैसा दिया है बड़ा फिर छोटा, तो आपको वैसे ही करना है। तो ये देखो कैसा हो रहा है, ए डी बाई ए बी, और यू कैन से डी बी इज इक्वल टू, दूसरा साइड क्या हो गया आपका, ए जी बाई जी ई। ठीक है, ये दो आपके रेशियोस में आ गए। अब इस साइड से देखो सी जी डी, ये भी आपके पैरेलल में है ना, तो सेम चीज आपको फिर से लिखना है। तो उससे हमारा दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, दे आर सिमिलर, है ना। दिस एंगल इज कॉमन, तो सेम चीज हम लिखेंगे, कौन सा एंगल है वो, तो इन ट्रायंगल आपका है सी ई एफ एंड सी डी जी, तो एंगल सी इज कॉमन, कॉमन। और क्या है आपका, ये देखो सी ई एफ, एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी जी डी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी एफ, ये वाला एफ एंगल और ये डी एंगल, ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो सेम लिखेंगे हम यहां पर, एंगल सी एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी डी जी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब ये क्या हो गया आपके ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल सी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी जी। तो अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो साइड्स प्रोपोर्शन में चले जाएंगे। तो साइड प्रोपोर्शन आपको कैसे लिखना है वो एक मेन है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सी ई बाई ई जी, सी ई बाई ई जी इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ डी, सी एफ बाई एफ डी। ठीक है, सी एफ बाई एफ डी। ठीक है, अब ये देखो ये फर्स्ट है आपका, ये है आपका सेकेंड ना। तो अब ये वाला देखो, यहां पर हमने क्या लिखा, ए डी बाई डी बी, लेकिन आपका क्या आना चाहिए, ए बी बाई बी डी आना चाहिए। तो उसका मतलब कि ए डी के अंदर डी बी को ऐड करना है, तो क्या करेंगे प्लस वन, और यहां पर भी करेंगे प्लस वन, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो डी बी प्लस ए डी इज ए बी, तो ये आपका आ जाएगा ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू, यहां पर भी ऐड करो ए जी प्लस जी ई, ए जी प्लस जी ई तो ए ई, तो ये आपका आ जाएगा ए ई बाई जी ई। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट यहां पर देखो,
आपका CE इज इक्वल टू EG, CE, तो CE क्या है आपका, देखो C2E इज इक्वल टू C2F, है ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं CF by EG, हो गया CF by EG। लेकिन अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो ये हो गया CF by EG इज इक्वल टू FD, है ना, तो EG इज इक्वल टू FD। तो अब देखो आपका यहां पर E इज सेम, सेम है AB by BD, AB by BD इज इक्वल टू AE by GE की जगह पे आपका आना चाहिए FD। तो हम बोल सकते हैं बाई वन एंड टू वी गेट, क्या हो गया आपका, सेम लिखना है ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए, सेम है आपका, और जी की जगह पे यू हैव टू राइट एफ डी। तो नाउ वी कैन से हैंस प्रूफ, ठीक है।